विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हित्वा मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हित्वा। बंध के हेतु बंध के कारण कौन कौन है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच बंध के मुख्य हेतु हैं, बंध के कारण हैं। मन वचन काय ये आश्रम के लिए कारण था, अब ये वही योग जो है बंध के लिए भी कारण बन गया। मिथ्या, सबसे पहले मिथ्या दर्शन, रॉन्ग बिलीफ, अविरति, नॉन एब्सटिनेंस और प्रमाद, नेग्लिजेंस और कषाय मतलब पेशेंस, योगा एक्टिविटीज आर द कॉज ऑफ बॉन्डेज। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के हेतु हैं। सबसे पहला क्या है? मिथ्या दर्शन, मतलब हमारी मिथ्या धारणा, गलत धारणा। जब तक हमारी देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा नहीं आई है, जब तक हमने सात तत्वों पर श्रद्धा नहीं किया है, तब तक हमारा मिथ्या दर्शन है। ये पहले ही अध्याय का पहले सूत्र में आ गया था, फिर भी यहां पर आया मिथ्या दर्शन, मतलब मिथ्या धारणा। मोहनीय कर्म के उदय से जीव के जो परिणाम होते हैं उसको मिथ्यात्व कहते हैं। और बंध क्या है आगे आने वाला है, अभी तो बंध का हेतु बताया है। अतत्वात् श्रद्धानं मिथ्या दर्शनम्, तत्व का श्रद्धान दर्शन है तो तत्व का श्रद्धान मिथ्या दर्शन है। तत्व कितने सात है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध और मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समन, मोक्ष, ये सात तत्व है। और इन सात तत्वों पर यदि सच्ची श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन है। पाप और पुण्य समय सार के अनुसार नौ तत्व में गिना, इसका क्या है? वो तत्व कह दिया लेकिन वो नौ द्रव्य में आ जाएगा, द्रव्य। नौ पदार्थ में, छह द्रव्य, नौ पदार्थ पाता है ना आपका। प्रथमान योगम अर्थात नौ तत्व मानेंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। कहने का अर्थ वही है, मतलब छह द्रव्य है, उन्हें सात तत्व बन गए, उसी में आपने दो और मिला दिए। आश्रम में आप पकड़ लोगे तो आश्रम तत्व के अंदर पुण्य प्राप्त आ ही रहा है, वैसे अलग से पकड़ रहे थे पदार्थ हो गया वो। इस तरह से होता है, मुख्य रूप में सात तत्व है। पंचास्ति काय है, छह द्रव्य है, सात तत्व है, नौ पदार्थ है। इस पर ही हमारी सही श्रद्धा होनी चाहिए। बंध हेतवः, बंध मतलब क्या? बंध का मतलब है कि जो कर्म आया था वो आकर के ठहर गया, रुक गया, तो बंद हो गया। जैसे खिड़की दो खुली हुई है तो हवा आई और निकल गई, तो आना हो गया आश्रव, और आकर के ठहर गया तो हो गया बंध। फिर यहां से गेट बंद कर दिया, नहीं आना, तो हो गया संवर, जो था उसको निकाल दिया तो हो गया निर्जरा। इस तरह होता है। तो बंध जो है यहां पर आ रहा है चेतन जीव का अचेतन अजीव कर्म परमाणु के साथ में बंध होना, इसे बंध कहते हैं। ये बंध भी दो प्रकार का है, एक होता है भाव बंध, दूसरा होता है द्रव्य बंध, है ना। भाव बंध क्या है? ये मिथ्यात्व का परिणाम, और अदर्शन मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति मतलब चरित्र नहीं है मिथ्या चरित्र, और प्रमाद आलस्य,
कषाय योग, ये जो है बंध के भाव बंध के लिए कारण है, यही भाव बंध है और इनसे होने वाला कर्मों का जो आश्रय रुक जाना हो कर्म बंध द्रव्य बंध कहलाता है, है ना। बहुत अच्छा, द्रव संग्रह ग्रंथ में भाव और द्रव्य, भावाश्रव द्रव्याश्रव, भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निद्रा द्रव्य निद्रा, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष, पूरा आया अच्छे से, बहुत बढ़िया आया। तो वैसे तो जीव अनादि काल से कर्म से बंधा हुआ है, तो बंध से सामान्य अपेक्षा बंध एक प्रकार का बंध, उसके दो भेद बन गए, द्रव्य बंध और भाव बंध। और वही जो बंध है वो चार प्रकार का हो जाता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। तो यहां पर भी आया हुआ है मेन रूप में बंध, बंध का हेतु क्या है तो मिथ्या दर्शन। जब तक आपकी धारणा मिथ्या रहेगी तब तक आपको कर्मों का बंध होता रहेगा, बंध बनते रहेंगे। मिथ्या दर्शन अविरति नहीं, ये सब मिथ्या दर्शन का परिणाम, अविरति का परिणाम, प्रमाद कषाय से युक्त परिणाम और मूत्र काय के योग के द्वारा परिणाम हो रहा है, तो इसके द्वारा आपका भावबंध है, है ना। तो जो भाव आपके बने वो भावबंध में कारण बन गए और उनके द्वारा जो कर्मों का आना वो द्रव्य बंध हो गया। हाँ, जैसे एक आर्किटेक्ट जब कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाता है या कोई पेंटर चित्र बनाता है तो पहले क्या करता, पहले भाव में उसका चित्र बन जाता है कि मुझे क्या बनाना है। हाँ, अशोक कॉलेज वाले नौ पदार्थ होते हैं, बताए नौ पदार्थ ही है, पदार्थ नौ होते हैं, सात तत्वों में पुण्य और पाप मिला दिया जाए तो नौ पदार्थ हो जाते हैं, है ना। वो गुरुदेव समय साल में आध्यात्मिक रूप से है वो, हाँ नौ तत्व जो कह रहे हैं उसमें भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीसरे अनेकांत है हमारे यहाँ। तो जिन परिणामों से कर्मों का बंधना हो रहा है उसे कहते हैं भाव बंध, और कर्मों का आकर के बंध जाना ये द्रव्य बंध। मिथ्या दर्शन के विषय में आप समझना चाहते समझाइए, मिथ्या दर्शन मतलब, दर्शन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का नाम दर्शन लिया है। वैसे दर्शन के अलग अलग रूप पर्यायवाची नाम है, दर्शन का मतलब देखना भी होता है, दर्शन का मतलब जो है वो विचार भी होता है, षट दर्शन तो षट दर्शन, सिद्धांत का नाम भी दर्शन है और श्रद्धा का नाम भी दर्शन है। लोक को भी दर्शन कहते हैं, लोक लोक धातु से बना है, हाँ ऐसे बोलते हैं जो लोक इंग्लिश में है उसका दर्शन है, हाँ देखना लोक मतलब देखो, लोक धातु से लोक बना है। और यहाँ पर बिलीव श्रद्धा कॉन्फिडेंस विश्वास इसका नाम है दर्शन। और वही यदि मिथ्या है, मिथ्या दर्शन का मतलब है कि दर्शन मोहनी कर्म और चरित्र मोहनी कर्म के उदय से जो परिणाम अश्रद्धान रूप होते हैं उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। जब मिथ्या दर्शन होगा तो मिथ्यात्व के उदय में जो जीव है उसे जिन धर्म नहीं सुहाएगा, मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए के ऊंघे के लड़ मरे के उड़ घर को जाए। दीपचंद जी भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, बस कुछ ना से क्लास चल रही है, सामने आ जाए देख ले। हाँ मिंटी भैया अथवा जो भी हो, यदि दीपचंद जी का डिवाइस हो यहाँ पर अथवा सुमन जी का हो तो उसको स्पॉटलाइट कर दे, थोड़ा सा दिखला दें। मिथ्या दर्शन का मतलब सुचेता जी ये हो गया कि हमारी गलत श्रद्धा गलत धारणा, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। अच्छा, मिथ्यात्व जो है वो पांच प्रकार का है, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान पुनः के मेरी बात तो वहां खत्म हो गई। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान पुनः के, विपरीत
यदि आपकी धारणा उल्टी है, जैसे कहा जाता है कि मुनि बनने से कर्म कटते हैं, मुनि बनना अच्छा है, परम बोलते नहीं मुनि बनना खराब है, दीक्षा लेना बेकार है, यह आपकी धारणा गलत धारणा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करके भक्ति करने से कल्याण होगा? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, बकवास है। अथवा इस विश्व किसने बनाया है? तो भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, यदि आप मानते हो तो आप जो है सृष्टिकर्तावादी हो गए, आप मिथ्यात्व में चले गए। चौदह राजो तंग नव लोक पुरुष संतान तामि जीव अनादिते धर्मत है ज्ञान। लोक अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। लोक अनादि निरंतर किसी को बनाया हुआ नहीं है, कोई संसार को बना नहीं सकता। और कहता है मैंने बनाया है, आप बोलते हैं इसने बनाया है, तो मिथ्यात्व हो गया। तुम कितने ही पाप किए जाओ, बस भगवान की शरण में चले जाओ, पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पाप किए हैं तो अपने पाप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है। पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट किया जाए, फिर भगवान के पास गुरु पर क्षमा मांगी जाए, प्रायश्चित किया जाए, तो कर्म कटेगा। तो जो सृष्टिवाद को माने, कर्तावाद को माने, भाग्यवाद को माने, नियतिवाद को माने कि जैसा होना वैसा होगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो जो देखी बीतरागने सो सो होसी वीरा रे, अनहोने कभू ना होसी काये होत धीरा रे। बात सही है कि जो जो वितरण देखा वैसा होने वाला, क्यों? भगवान ने जो होने वाला है सो देखा है, और जो देखा वो होने वाला है, क्योंकि वो सत्य दृष्टा है। बात सही है, पर ये बताओ कि क्या क्या देखी वितरण, तू क्या जाने वीरा रे, भगवान ने क्या क्या देखा तुम क्या जानते हो? भगवान के ज्ञान को आपको छोड़ दीजिए, गणधर भगवान भी सौदर्भ इंद्र भी नहीं समझ सकते। समझ में आ रही बात? इसलिए तो कहते हैं कि गणधर इंद्र ना कर सके तुम विनती भगवान। गणधर इंद्र भी भगवान की विनती नहीं कर पाए तो गुणों को जानने की बात क्या है? समझ में आ रहा? तो मिथ्या दर्शन मतलब क्या हो गया? गलत धारणा, जैसे बहुत सारा चल रहा है विपरीत। जिनवाणी में लिखा हुआ है कि पंचमृत अभिषेक करने से भगवान की भक्ति की संतुष्टि प्राप्ति होती है, पर कोई बता रहा है कि नहीं, मिथ्या मतलब पंचमृत अभिषेक नहीं करना चाहिए, जिनवाणी में गलत लिखा हुआ है, ये गुरु गलत बता रहे हैं, ऐसा मानना गलत है। बिल्कुल आपको आशीर्वाद, सुमन जी ने नमस्तु भेजा हुआ है, तो आपका हैंडरेस्ट कीजिए सुमन जी, आपका हैंडरेस्ट करें सुमन जी जैन रोहतक से। आज हमारे दीपचंद जी रोहतक पहुंचे हैं धर्मतीर्थ से चल करके गाड़ी के माध्यम से, कल लेट टाइम में थे, आज रोहतक पहुंच गए हैं। और इस वर्ष की देखिए आप कि मतलब मार्च से लॉकडाउन हुआ है, और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि एवरी डे धर्म तीर्थ पर महामृत्युंजय विधान आज भी चल रहा है और महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। आपके साथ में हम लोग शामिल करते हैं, सुबेरे विधान किया जाता है, हम लोग करके आए हुए हैं, रोज अभिषेक, रोज महाशांति, रोज विधान, ग्रंथ विलय और हमारा जिन से इतना विधान होता है। और आपने देखा कई बार हम लोग उपवास वगैरह किए हैं, इतने सारे नवग्रह शांति विधान, दस लक्षण विधान, मुख शास्त्र विधान, विद्या प्राप्ति विधान, सारे सारे विधान आज हो चुके हैं। और इन विधानों से मंजित वो पीछी, इस साल चतुर्मास की जो पीछी है, वह हमारी परम शिष्या श्रीमती सुमन जैन, उनकी मातो श्रीमती शशिप्रभा जैन, संजय जैन उनके मिस्टर, उनके घर में आज पहुंची है पिशी। तो यदि आप तैयार हो तबका वीडियो आप जो ऑन कर लीजिए, तो पिशी प्रवर्तन पिशी आपको भेंट की दी जाएगी, दीपचंद जी आपको पिशी भेंट कर देंगे।
सामने आप आ जाएं सुमन जी, वीडियो ऑन कर लें आपका। जी कुंजल दोषी ने लिखा है कि उनकी सास रजिला बेन भद्र कुमार दोषी, इनको कोरोना हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, नीले दोषी के नाम से ज्वाइन है। अच्छा क्लास में है वो अभी, जो सामने आ जावे, अपना वीडियो आप ऑन कर लेवे, नीले दोषी के नाम से उनकी डिवाइस है तो आप ऑन कर लेवे। और यदि कोई यहाँ पर है वस्त्र भैया अथवा मयूरी तो इनको स्पॉटलाइट कर देवे। आपके वीडियो को ऑन करें। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। मिंटी भैया यदि यहाँ पर हो, बस्तर भैया, तो एक बार उनको स्पॉटलाइट कर देवे, या वर्णित भैया हो तो उनको स्पॉटलाइट कर देवे। रसीला बेन को कोरोना उनको हुआ है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि अच्छा पहले अभी शशिकृपा जी, संजय जी और सुमन और रिया तेजल जैन रोहतक से हमारे परम भक्त हैं। मेरा 2019 चिंकाने मेरी दीक्षा हुई, रोहतक में दीक्षा हुई है, और 2012 मेरा सेकंड चतुर्मास हुआ, तो उस चतुर्मास में ये संपूर्ण परिवार बहुत भक्ति से जुड़े हुए हैं। तब से लेकर आज तक हर समय उनके द्वारा धर्म तीर्थ पर योगदान है। शशि प्रभा जी के द्वारा हमारे यहाँ पर 2 कमरे धर्म तीर्थ बनाए गए हैं। इसके अलावा जब भी फंक्शन होता है तो हर एक फंक्शन में आपका योगदान विशेष रहता है, और आज मतलब 2012 के बाद ये पीछे उनके यहाँ पहुंची है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो जी हमारी ओर से पीछे उनको दे रहे हैं, ये पीछे उनके लिए बहुत मंगलकारी हो, शशि प्रभा जी के लिए स्वास्थ्य लाभदायक हो, और तेजल और रिया को जल्दी वंश वृद्धि की प्राप्ति हो, सुमन जी स्नेह जी को सारा लाभ प्राप्त हुए, व्यापार अच्छा चले, काम बढ़िया हो, मेरा खूब सारा उनको आशीर्वाद। हाँ म्यूट करो आपका। सुमन जी को और शशि प्रभा जी को, संजय भैया को, तेजल और रिया को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। ये पीछे आपके लिए बहुत मंगलकारी हो, बहुत अतिशयकारी है। अपने ऑफिस में भी आप ये पीछे नमो कारण 27 बार बोल करके और पीछे लेकर घूम जाएंगे तो आप घर का सब परेशानी आपकी दूर होगी। मेरा खूब सारा आपको आशीर्वाद। अम्मा जी को बहुत सारा आशीर्वाद। शशि प्रभा जी की बहुत श्रद्धा है, बहुत दानवीर महिला श्राविका है वो, और खूब दान करने की उनकी भावना रहती है, और अपने बेटे संजय को, सुमन को भी बहुत प्रेरणा उनकी रहती है दान करने की। उनकी बहू भी बहुत उनके समान ही खूब अच्छी भावना भक्ति उनकी है, और मैं चाहूंगा कि रिया भी अपनी दादी सास के कदमों पर चले, खूब अच्छे श्राविका बने अपनी सास के समान ही। मेरा खूब सारा उनको आशीर्वाद। जैसे संजय भैया की बहुत अच्छी भावना है, ऐसे तेजल की भी अच्छी भावना है, संपूर्ण परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। अब मिंटी भैया अच्छी बात है, सोनैना दिलीप पाटाणे उनका पूरा परिवार भी कोरोना से मुक्त होकर के आए हुए हैं। अब निलय दोषी नाम की डिवाइस है मिंटी भैया, वो ऑन है तो उसको स्पॉट पर ले लीजिए आप एक बार। रिसीवर के नाम से भी है, उनका स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल में है वो, और वहां से वो क्लास में भी ज्वाइन है, तो मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। आपके वीडियो को आप ऑन कर लीजिए। मेरा उनके लिए आशीर्वाद है। हाँ तो रसीला बहन को मेरा खूब सारा आशीर्वाद, आपके सब संकट दूर हो गए,
ओम राम नमोरिहंताणम ओम भृणमो सिद्धाणम ओम भृणमो आयर्याणम ओम भृणमो उज्जणम ओम भृणमो लोयसोषणम प्रसीला भद्र कुमार दोषी नाम थे से सर्वग्रह अरिष्टान निवारण निवारे अपमृत्यु घाते घाते पूर्ण वारिश निवारण करु सर्व अपमृत्यु विनाशनम करु सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम चकुरु षट स्वाहा सर्व भक्त परिवार से सर्व शिष्य परिवार से रोग संकट पीड़ा निवारण करु करु स्वाहा। बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। ठीक है, तो अभी समय हमारा हुआ है, फिर भी मिथ्या दर्शन को हमने समझा कि विपरीत जिनवाणी के विपरीत जाने पर मिथ्यात्व का दोष लगता है। इसलिए आचार्य समुद्रवत स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में बताया हुआ है कि जब आप जिनवाणी को पढ़ते हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो जिनवाणी को पढ़ते समय पांच बातों का ध्यान रखना। कौन सी? अन्यून मन अतिरिक्तम याथा तथ्यम चरे परिता निस्संदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञान मार्ग मिला। क्या कहते हैं? अन्यून, जिनवाणी को पढ़ते समय कुछ भी अक्षर भी कम मत करो, मन अतिरिक्तम ज्यादा नहीं करना, अपनी ओर से एक्स्ट्रा मत मिलाइए। तथ्यम जैसा का तैसा ग्रहण करना, बिना चैत्रीता उल्टा नहीं करना, और कभी देव शास्त्र गुरु पर सच्चे देव सच्चे शास्त्र गुरु पर संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, तो ये आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। यदि आप विपरीत चलते हैं, कुछ कम करते हैं, जैसे जिनवाणी में आ रहा है अभिषेक करो, पर आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा नहीं कर रहे हैं। हम तो पूजन करते अभिषेक नहीं करते, तो जो भी श्राविका के लिए पूजन करते अभिषेक नहीं करती है, अभिषेक करने को स्वीकार नहीं कर पाती है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल, जो आचार्य उपाध्याय मुनि आरिका एलक छुल्लक छुलिका पंडित श्रावक श्राविका जो भी जिनवाणी के अकेष्ट चलते हैं, विरोध चलते हैं, पंचमोपदेशी का विरोध करते हैं, स्त्री प्रक्षाल का विषय विरोध करते हैं, शासन निर्देशों का विरोध करते हैं, जिनवाणी में जो लिखा हुआ है उसके विरोध में आप चल रहे हैं, तो नियम से आप व्यवहार से देखने में मिथ्या दृष्टि है, पक्का विपरीत हो गया आपका। एकांत में आ गए, अकेले व्यवहार को मैंने निश्चय को नहीं माना, तो एकांत हो गए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अपन कल समझेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर आपको बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि समय आहार का हुआ है और बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। अभी दीपचंद जी हमारे रोहतक गए हुए हैं, बिहार में हैं, वो सभी कलश पहुंचाने गए, वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ भी अभी हमारे पास सिर्फ अभी हमारे मुन्नी अम्मा जी हैं, ललित भैया है और भारती है, सिर्फ तीन लोग ही हैं, और एक हमारे उनकी बेटी लगीमा है। लेकिन हमारे जो छुल्लक बाबा जी हैं, हमारे आर्य आस्था श्री माता जी हैं, छुलिका धन्य श्री माता जी हैं, छुलिका तीर्थ श्री माता जी हैं, छुलक जी हमारे धर्म गुप्त जी शांति गुप्त जी हैं, ये अपने समयानुसार बराबर साधुओं के आहार को संभाल लेते हैं। और यहाँ तक कि अभी कोई श्रावक बाहर से आ नहीं सकता है, ये परमिशन नहीं है, तो हमारे मुनीष विमल गुप्त जी विनय गुप्त जी वो भी आहार होने के पश्चात खड़े होकर के वहां पर जो साधु का आहार चल रहा है उसको डायरेक्शन देकर करवाती है, उसका प्रेम और वात्सल्य है, क्योंकि हम श्रावक को बुला नहीं सकते, क्योंकि कोरोना वापस बढ़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि कोरोना महामारी को दूर करने के लिए हम लोग कल सुबह 8 से 9 अभिषेक शांतरारी की CID पर सुबह 8 बजे के पहले आप ज्वाइन हो जाइए। रोज आपको पूरा 20 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक और 30 नवंबर को भी आपको अभिषेक और शांतरा देखने मिलेगी। तो जो ही महानुभाव कोरोना महाव्याधि से ग्रस्त हैं, वो संपर्क करें मिट्टी भैया वस्त्र भैया को, अपना नाम पहुंचा दीजिए, तो आपके द्वारा महामृत्युंजय विधान यहाँ पर हो सकता है, 10 दिन के दिन आपके द्वारा हो जाएगा। उसमें अभी हमारे शरद बाकलीवाल जी का नाम आ चुका है, उनके परिवार का, जितेंद्र पाटनी जी का नाम आ चुका है, और जो हर विधान सौध में बने हैं, ऐसे हमारे परम भक्त अमित जैन सुनिधि जैन परिवार हैदराबाद बाराबंकी से, उनका नाम भी विधान के लिए आ चुका है, और आशा विनोद प्रजाति उनका नाम विधान के लिए आ चुका है। आप भी, मैं चाहूंगा कि रसीला भद्र कुमार दोषी परिवार जो है आपके द्वारा भी महामृत्युंजय विधान होना चाहिए, इससे पूरे परिवार को लाभ होगा। आप पूछ सकते हैं, तकरीबन साउजी समाज में, मारवाड़ी समाज में और रोहतक में, दिल्ली बड़ोस के अंदर में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने महामृत्युंजय विधान कराया है और कोरोना महामारी से मुक्त हुए, स्वस्थ होकर घर पर लौटे हैं। जो भी है उसे अपने अपने नाम पहुंचा दीजिए, तो आपके द्वारा विधान संपन्न हो जाएगा। मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद है। बिल्कुल अच्छा, तो कुंजल दोषी ने लिखा है कि भिड़ा के पास इडर में पूरा हॉस्पिटल जैनों से भरा हुआ है और अनेक जैन परिवारों को
वह जो है कोरोना हुआ है, तो मैं चाहूं कुजल दोषी जी आप देवदूत बन जाइए और देवदूत बन करके जितने परिवार कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, विशेष करके बहुत संकट में हमारे भी संगीता जी हैं, संगीता प्रकाश शाह संगीता जी हैं, और उनके परिवार के अंदर भी प्रकाश भैया को कोरोना महामारी कोरोना हुआ था और संगीता जी ने कोरोना महामारी के चलते यहाँ विधान संपन्न कराया और आज उनके मिस्टर प्रकाश भैया एकदम स्वस्थ होकर घर के अंदर है। ऐसे ही हमारे भवरलाल जी शाह परिवार में कोरोना हुआ था, उन्होंने पूरा 10 दिन महामंत्री विधान कराया है, उनका परिवार स्वस्थ हुआ है। ऐसे सागवाड़ा के बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने कराया है। तो कुंजल जी आप इडर वालों को फोन कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, जिनको भी कोरोना महामारी है तो उन्हें संपर्क कीजिए और कल से महामंत्री विधान शुरू हो रहा है, हम रोज करेंगे आपको बतलाएंगे, तो परिवारों के नाम लेकर किया जाएगा, तो उनको नाम यहाँ दे देवे, उसकी राशि बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास मैसेज आ चुका है, छोटी सी राशि उसकी है, वो देकर आप करा सकते हैं। आज का हमारा जो कोड है वो कोड है 8, क्योंकि आज से हमारा 8वां अध्याय शुरू हुआ है, इसलिए 8 हमें कर्मों के ठाठों खत्म करना है और आत्मा का ठाठ बढ़ाना है, इसलिए 8वां कर्म को नाश करने के लिए कोड हमारा आज 8। मुनि मन निरंतर जय सोहे गंगा पूजन काटते करम बंधन बतक धारी है संयमति करियो जप बार विधि धारण तब ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है कैसे कीजिए। मैं देख रहा हूं यहां जितने परिवार हैं लगभग 60 डिवाइस पर, उनमें से लगभग 40-50 परिवारों ने महामंत्री अपने द्वारा करवाया हुआ है। हमारे बी के जैन जी और संगीता प्रकाश शाह, सुवर्णा जी श्रावक और भी सुमन संजय, विद्या हेमंत मेहता, लगभग विद्या जी के द्वारा कम से कम 4-5 बार यहाँ विधान संपन्न हो चुका है महामंत्री का विधान, उनके घर में किसी को नहीं हुआ है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए उन्होंने करवाया हुआ है। तो कोरोना मुक्त विश्व इस मिशन पर हम लोग करने जा रहे हैं, तो मेरी सबसे आह्वान रहेगा कि विधान में जो लगने वाली राशि है उसमें अपनी ओर से नाम देकर के आप विधान संपन्न करावे। जी जरूर चढ़ाएंगे भी आप सभी अर्घ लीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम हरे है जिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना में भाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना में भाव की। ओम भीम द्वादशांगिर्वाणी माचरणे भ्यो जल फलादि अर्घण पाम ती स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म काटल का बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की, जय हो जय गुरुदेव की। ओम भीम सभी के लिए पूरा पूरा आशीर्वाद और पूरे संघ का आप सभी को आशीर्वाद। अभी संघ में थोड़े हमारे
क्योंकि अभी हमारे जो माता जी हैं वो नीचे विधान संपन्न करा रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर अभी विमल गुप्त जी, मुनि श्री विमल गुप्त जी यहाँ पर है, क्षुल्लक शांति गुप्त जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी, क्षुल्लक धर्म गुप्त जी, हम लोग डिस्टेंस का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए यहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, और हमारे तीनों माता जी वहाँ नीचे विधान को संपन्न अभी करवा रहे हैं। नौ का समय था इसलिए मैं आ चुका था यहाँ पर आपके बीच में, आप सभी का दर्शन कर लीजिए, मेरा आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद, और यही हम लोग विराम देंगे, अपने अपनी ओर से आप नमोस्तु कीजिए और विराम लीजिए। जय बोलो आचार्य श्री गुप्ती नंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। सभी को निवेदन है कि इस आईडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए, और आपको सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते।